नमस्कार, जानेंगे इस कारोबारी सप्ताह जो मेजर नॉन एग्री कमोडिटीज़ हैं यानी प्रेशियस मेटल्स, बेस मेटल्स और एनर्जी कॉम्प्लेक्स में क्या रुझान देखने मिलेगा। शुरुआत गोल्ड और सिल्वर से करते हैं। हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में ट्रेड होता है, जो फिलहाल 105 के स्तरों से फिसल कर 102.50 से 270 के करीब क्लोज देने में कामयाब हुआ है, उसे अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में हमने करीबन 2 से 2.5% की एक करेक्शन देखी है काफ़ी हफ्तों के अपसाइड मूव के बाद। तो इसके चलते हमने गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही एक रुझान अपसाइड का देखने मिला है। अगर हम चांदी की बात करें तो 58,000 का जो मेजर सपोर्ट है या 57,800 जो हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था, वो फिलहाल बाज़ार ले चुका है और लगभग 61,500 के करीब की क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ है। तो काफ़ी एक शानदार रिकवरी हमने देखी है चांदी में, लगभग 3 से 3.5% की इमीडिएट तेज़ी हमने आते हुए देखी है। और वहीं पर अगर मैं गोल्ड की भी बात करूं तो लगभग 49,500 के लेवल को छूकर जो बाज़ार है वो 50,800 के करीब क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ है। तो काफ़ी बढ़िया क्लोजिंग, लगभग एक हफ्ते में 1,200 से 1,300 रुपए की रिकवरी हमने इसी हफ्ते में आते हुए देखी है। तो जिस तरह मैंने बताया कि कारण जो था मेन, वो यही था कि डॉलर इंडेक्स जो पिछले काफ़ी महीनों से रैली कर रहा है, उसमें एक पॉज या एक करेक्शन हमने देखी है। और उसके चलते जो भी काउंटर्स, आप कोई भी एसेट क्लास ले लीजिए, चाहे वो इक्विटी हो, कमोडिटी हो या करेंसी हो, वहाँ पर हमने एक रिकवरी आते हुए देखी है। तो गोल्ड और सिल्वर भी इसके चलते एक बढ़िया रिकवरी देने में कामयाब हुए हैं और ऐसा लगता है कि ये रिकवरी कुछ और समय जारी रहेगी। आगे अगर देखा जाए तो $1,820 का एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है स्पॉट गोल्ड में, और वहीं डोमेस्टिक बाज़ार में 50,200 से 50,300 के करीब सपोर्ट रहेंगे। जब तक ये सपोर्ट होल्ड कर रहा है तब तक गोल्ड जो है तेज़ी की तरफ रहेगा या एक शॉर्ट कवरिंग मूव जिसे कहते हैं वो दिखाएगा। अपसाइड में हमें 51,300 तक के सर देखने मिलेंगे। वहीं पर चांदी की बात करूँ तो जब तक 60,500 के ऊपर फिलहाल होल्ड कर रही हैं प्राइजेस, तब तक अपसाइड में लगभग 62,700 और उसके बाद 63,500 तक के मूव्स हमें देखने मिलेंगे। हालांकि एक वर्ड ऑफ कॉशन ये रहेगा कि ये एक शॉर्ट कवरिंग मूव ही दिखाई दे रहा है और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फुल फ्लैश तेज़ी जिसे हम कहते हैं वो शुरू हो गई हो। फिलहाल जो है एक शॉर्ट कवरिंग मूव बाज़ार में आ रहा है, यानी जिन्होंने बिकवाली की है वो अपनी पोजिशंस स्क्वायर ऑफ करके मुनाफा वसूली कर रहे हैं। वहीं पर अगर क्रूड ऑयल की या कच्चे तेल की बात की जाए तो हमने देखा था कि पिछले हफ्ते ही 8,900 के स्तर भी देखे गए और उसके बाद एक बड़ी गिरावट देखी गई जहां पर 8,000 तक के लेवल भी देखे गए। तो काफ़ी भारी उठापटक देखी गई है क्योंकि यहां पर जो फंडामेंटल है काफ़ी मिक्स्ड है, जहां एक तरफ चीन में जो है लॉकडाउन अभी भी जारी है और एक फेस्ड वे में ओपन अप करने की बात हो रही है शंघाई में 1 जून से। वहीं पर एट द सेम टाइम जो सप्लाई है अभी भी कम है या उसके कम होने की पूरी आशंका है, ओपेक की तरफ से हो या रूस की तरफ से हो यूरोपियन देशों को। तो इसके चलते हमने एक मिला जुला सा रुझान कच्चे तेल में देखा है, इसलिए ऊपरी स्तरों पर बिकवाली और निचले स्तरों पर खरीदारी दिखाई दे रही है। तो जहाँ पर 8,000 के स्तर देखे गए उसके बाद रिकवरी में हमने जो क्लोजिंग है वीकली क्लोजिंग बेसिस 8,600 के ऊपर ही कच्चे तेल को ट्रेड करते हुए देखा है। आने वाले समय में ऐसा लगता है कि एक करेक्शन 8,350 से 8,300 तक दिखाई दे सकती है। तो पहला जो रुख रहेगा वो बिकवाली का हो सकता है, लेकिन उसके बाद मैं समझता हूँ कि दोबारा तेज़ी दिखाई देगी और 8,900 के स्तर दोबारा दिखाई दे सकते हैं। तो काफ़ी वॉलेटिलिटी या उठापटक अगले हफ्ते में भी देखने में मिल सकती है। पहला रुझान नीचे की तरफ हो सकता है, लेकिन उसके बाद डाउनसाइड जो होगा मेरी तरफ से लिमिटेड होगा और उसके बाद 8,300 से 8,350 के बीच अगर खरीदारी की जाए तो फ़ायदे का सौदा हो सकता है। वहीं नेचुरल गैस में भी काफ़ी भारी उठापटक देखी गई, जहां 600 से 660 तक की रैली देखी गई, उसके बाद दोबारा 612 से 613 तक के लोज भी देखे गए। हालांकि जो क्लोज था वो 630 के आसपास दिया है नेचुरल गैस ने। ऐसा लगता है कि जब तक अपसाइड में 595 से 600 के स्तर होल्ड कर पा रही है प्राइसेस, तब तक रुझान जो है तेज़ी की तरफ रहेगा। हालांकि अपसाइड जो होगा वो 660 से 665 तक कैप्ड रहेगा। तो एक ऊपरी दायरे में नेचुरल गैस जो है वो ट्रेड कर सकता है, लेकिन अपसाइड जो है फिलहाल 660 तक ही सीमित दिखाई दे रहा है। वहीं बेस मेटल्स में सबसे बड़ा एक्शन देखने मिला, जहां पर सारे ही बेस मेटल्स में हमें शॉर्ट कवरिंग देखने मिली, चाहे वो कॉपर हो, जिंक हो, एल्युमिनियम हो या निकल हो। और कॉपर में जो हमने पिछले हफ्ते 770 से 775 तक के स्तरों की बात की थी शॉर्ट कवरिंग में, वो वहीं पर बाज़ार ने क्लोज़ दिया है। तो काफ़ी बढ़िया तेज़ी हमें दिखाई दी, 755 से 752 के लोज भी देखे गए, लेकिन वहाँ से एक शानदार रिकवरी देखी गई। तो एक टारगेट जो हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था वो पूरा हुआ है। आने वाले हफ्ते में ऐसा लगता है कि जब तक 700
साठ से पचपन के स्तर होल्ड कर पा रही है प्राइसेस, तब तक अपसाइड में 785 से 90 तक के लेवल हमें कॉपर में दिखाई देंगे, तो और एक शॉर्ट कवरिंग का दौर हमें दिखाई दे सकता है लगभग 4 से 5 सेशंस में। वहीं जिंक में भी हमने रिकवरी की बात की थी, 320 से 22 तक के लेवल थे तो वो हासिल हो चुके हैं, 302 तक के लोज भी देखे गए हैं। शॉर्ट टर्म बेसिस ऐसा लगता है कि एक बॉटम बनाने में जिंक प्राइसेस कामयाब हो चुकी हैं और इसके नीचे इमीडिएट तौर पर नहीं जाते हुए देखेंगी। अपसाइड में जो इमीडिएट लेवल हमें देखने मिलेगा वो 328 का होगा, लेकिन ये बात है कि 335 तक भी एक रिकवरी हमें एमसेक्स जिंक में देखने मिल सकती है, क्योंकि काफ़ी भारी और बड़ी गिरावट हमने 380 से लगातार 300 तक देखी है, उसका एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें दिखाई दे सकता है। तो मैं बाय ऑन डिप की सलाह देना चाहूँगा, इमीडिएट तौर पे जब तक प्राइसेस में 308 का स्तर होल्ड कर पा रहा है तब तक डिप पे बाइंग की जा सकती है 328 और 335 के लक्ष्य के लिए। वहीं एमसेक्स एल्यूमिनियम में भी हमने शानदार रिकवरी देखी, जहां पर 230 के नीचे के स्तर देखे गए थे, वहीं हाइस की तरफ 247 तक के हाइस देखे गए और क्लोजिंग भी बढ़िया देने में कामयाब हुई है प्राइसेस। अगले हफ्ते 238 से 40 तक का एक लेवल होगा जो इम्पोर्टेंट होगा एज अ सपोर्ट, और जब तक ये लेवल होल्ड कर पा रहा है तब तक 252 से 53 तक के शॉर्ट कवरिंग मूव हमें दिखाई दे सकती है, यानी जिन्होंने बिक वाली की मुनाफा वसूली करिंग करने आएंगे तो अपसाइड में 252 से 53 तक के लेवल दिखेंगे। हालांकि यहाँ पर भी मैं गोल्ड और सिल्वर की तरह ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि फ़िलहाल एक शॉर्ट कवरिंग मूव है और बहुत ही लंबी तेज़ी की फ़िलहाल उम्मीद करना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है फ़िलहाल करेक्शन कर रहा है, लेकिन अगर मैं एक महीने के रुझान की बात करूँ या एक से डेढ़ महीने की बात करूँ तो मुझे लगता है कि डॉलर इंडेक्स जो 105 के आसपास के हाइज बनाए गए थे वो दोबारा छू सकता है, और हो सकता है एक बार हम 106.20 तक भी डॉलर इंडेक्स को जाता हुआ देख सकते हैं। और जब डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो जनरली हमें कमोडिटीज़ में बिकवाली का दौर देखने मिलता है, फिलहाल क्योंकि करेक्शन है डॉलर में तो उसके साथ साथ हमें गोल्ड सिल्वर में और बेस मेटल्स में एक तेज़ी का रुझान देखने मिला है, क्योंकि जो कच्चे तेल और नेचुरल गैस के फंडामेंटल्स थोड़े विपरीत हैं तो फिलहाल डॉलर के साथ कोरिलेशन इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उनके खुद के फंडामेंटल्स अगर हम फॉलो करें तो काफ़ी मिक्स्ड है। तो ये था एक जायज़ा कि आने वाले कुछ दिनों में जो मेजर नॉन एग्री कमोडिटीज़ हैं उनमें क्या रुख देखने मिलेगा। धन्यवाद।